हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल डीनाज एजू वर्ल्ड। आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आप सोच रहे होंगे ये फैक्टर्स पहले क्यों लिखा है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज हमारी फैक्टर्स के ऊपर है, इसलिए मैंने फैक्टर्स पहले लिया है। व्हाट इज फैक्टर? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल हम 58 का एग्जाम्पल ले लें, तो 58 डिवाइड बाय 1 58, तो पहला ही फैक्टर 58 का पहला ही फैक्टर बनता है। जो बड़ा नंबर है वो हम पीछे लिखेंगे, जो छोटा नंबर है वो स्टार्टिंग में लिखेंगे, बीच में इतने गैप छोड़ देंगे ताकि दूसरे जो फैक्टर्स है वो आते जाए। अभी 58 को 2 से डिवाइड करेंगे, 58 डिवाइड बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा? 29। तो दूसरा फैक्टर है 58 का 2 एंड 29। देयरफॉर 58 के फैक्टर्स है 1, 2, 29 एंड 58। अभी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 32। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट है हमारा 8, तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 8? तो जो 8 वंस आर 8, तो ये तो सब में आता है, तो हम लोग जो छोटा नंबर है वो पहले लिखेंगे, बाद में 8 लिखेंगे, कॉमा करेंगे। कितने 2s आर 8? तो 4 2s आर 8, तो 2 यहां लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे। 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं, तो हम लोग उसे नहीं लेंगे। क्या 4 के टेबल में आता है 8? तो ये आ गया, इसलिए ये सब हो गए पूरे। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 1, 2, 4 एंड 8। सेकेंड है हमारा 5। इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? क्या 5 1 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 5 5। क्या 5 2 3 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन क्या 5 5 के टेबल में आता है? तो हाँ आता है, 5 1 5, इसलिए 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5 ओनली। नेक्स्ट है हमारा 14, नंबर 14। क्या 1 के टेबल में 14 आता है? हाँ आता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 14 लिखेंगे। क्या 2 के टेबल में 14? कितना 2 जा 14? तो 7 2 जा 14, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 7 यहाँ पे लिखेंगे। क्या 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता है, तो नहीं आएगा। 4 के टेबल में? तो नहीं। 5 के टेबल में? नहीं। 6 के टेबल में भी नहीं आता है, डायरेक्ट 7 के जो आ गया है ऑलरेडी, इधर हमने लिख लिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये फैक्टर्स निकालना हुआ कंप्लीट। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 14 इज इक्वल टू 1 2 7 एंड 14। फोर्थ है हमारा नंबर 10। 1 10 जा 10, 2 के टेबल में आता है, तो 2 5 जा 10। 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में? नहीं आता है। और 5 के टेबल में तो हमने ले लिया है 5 का टेबल, 5 2 जा 10, तो बस यहाँ पे हमारा फैक्टर्स ढूंढना हुआ
ये प्रोसेस हुआ कंप्लीट। अब हम लिख लेंगे डायरेक्ट आंसर। फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, 2, 5 एंड 10। नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 7। अभी 7 नंबर ऐसा है सिर्फ खुद के ही नंबर में आता है, इसलिए इसके फैक्टर सिर्फ दो ही है, 7 × 7। देयरफॉर और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 1 एंड 7। नेक्स्ट नंबर है हमारा 22। ट्वेंटी टू वन जा 22, देयरफॉर फैक्टर इज 22 × 1 = 22। 2 के टेबल में आता है 22, हाँ आता है। कितना 2 = 22, 11 × 2 = 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में नहीं आता है, इसलिए सिर्फ इसके टेबल, और 11 का तो हमने ले लिया है। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 22 इज इक्वल टू 1, 2, 11 एंड 22। नेक्स्ट नंबर है हमारा 25। नंबर 7 तो 25 × 1 = 25। क्या 2, 3 और 4 के टेबल में आता है 25? नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली अभी 5 के टेबल में, 5 × 5 = 25, तो हम यहाँ पे एक ही बार 5 लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा ये फैक्टर्स फाइंड आउट करना हुआ खत्म। अभी हम लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 1, 5, 25। नेक्स्ट नंबर है हमारा 32। 32 × 1 = 32। हम 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 16 × 3 के टेबल में आता है 32, नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है, तो 4 × 8 = 32। 5 के टेबल में आता है 5 और तो नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। 6 के टेबल में आता है तो नहीं, 7 का टेबल बोलेंगे, 7 × 7, 7 × 3 ऐसे, तो नहीं आता है। और 8 के टेबल में तो हाँ आता है, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32 जो आ गया है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे फाइंड आउट का प्रोसेस हुआ कंप्लीट। हम लोग लेंगे फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 1, जितने भी नंबर आ गए वो लाइन से लिख लेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32। नेक्स्ट सम है हमारा 33। 33 1 के टेबल में तो सभी नंबर आएंगे, इसलिए वो तो पहले ही हमें लिख लेना है। 33 × 1 = 33। 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 3 × 3 = 11, 4, 5, 6, 7 और किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये हुआ कंप्लीट। और देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 33 इज इक्वल टू 1, 3, 11 एंड 33। तो
आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना, कमेंट्स जरूर करें। और हाँ, हमारी बीनाज एजू वर्ल्ड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।